अभी हम जो है जो दिल्ली है, दिल्ली के सड़कों पर मौजूद हूँ, जहाँ पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जितने सारे समर्थक हैं वो दिल्ली के सड़कों पर जो है मार्च करते हुए जो है दो जंतर मंतर वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे। क्या नाम है सर, कहाँ से आप लोग? मेरा नाम विकास बाबू, एडवोकेट है और मंडल अध्यक्ष हूँ बरेली मंडल का भीम आर्मी का। कहाँ आप लोग का मार्च कहाँ जा रहा है? ये बात जंतर मंतर पे जा रहा है, आप देख रहे हैं लगातार बहुत पीछे समर्थक जा रहे हैं और ये बरेली मंडल की पूरी टीम है, प्रत्येक जिले से बनाई हुई और बरेली सनापुर से टीम है, ये लगातार जा रहे हैं सना जो जंतर मंतर पे, जो आज धरना बुलाया गया भाई के सम्मान के लिए, जो चंद्रशेखर भाई पे हमला हुआ गया था, ठीक है, उस हमले के विरोध में और जो सीबीआई की जांच और चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षा के लिए आज ये धरना बहुत ऐतिहासिक धरना है भीम आर्मी का। आज ये चल रहा धरना वहाँ जा रहा है। इतना एनर्जी क्यों, चंद्रशेखर आजाद के लिए इतना समर्पण क्यों? देखिए बात चंद्रशेखर भाई की नहीं है, बात ये पूरे समाज बहुजन समाज की है और आप जानते हैं कि देश में एकमात्र नेता ऐसा है जो आज पूरे बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है और चंद्रशेखर भाई आज बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्येक वंचित वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए आप जानते हैं जब चंद्रशेखर भाई काम कर रहा है, आज उनके ऊपर हमला हुआ है तो भीम आर्मी का प्रत्येक साथी, क्योंकि चंद्रशेखर भाई से ऊर्जा मिलती है हम लोगों को, ठीक है, आज उनके ऊपर जब हमला हुआ, उनकी सुरक्षा के मामले की बात चल रही है, तो इसलिए प्रत्येक भीम आर्मी के कार्यकर्ता में इतना जोश है और आज वो जोश पूरे दिल्ली के सड़कों पे उतरेगा और केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। आज लगता है कुछ पॉजिटिव मैसेज आएगा और प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का? बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज पड़ेगा और इसका प्रभाव भी पड़ेगा, सरकार को हिलना पड़ेगा और जो हमारी मांगे हैं सीबीआई जांच की और जो नार्को टेस्ट की मांग है और जो चंद्रशेखर भाई को जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी सुरक्षा की मांग है वो सब मिलेगी, सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि आज पहला बहुजन नेता उभरता नेता है पूरे देश में, नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है, जिसका भाई टाइम मैगजीन में जिनका नाम आ चुका है, पूरा विश्व मानता है उन्हें नेता, सिर्फ भारत नहीं, तो इसीलिए उनको सुरक्षा देना सरकार की मजबूरी है और जरूरी भी। क्या नाम है? मेरा नाम विकास बाबू, एडवोकेट है। ये विकास बाबू है, देखिए कि तमाम जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बीते दिनों जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसको लेकर तीन सूत्री मांगों को लेकर आज जो है दिल्ली के सड़कों पर जो भीम आर्मी के समर्थक हैं वो मार्च कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो मामला है उसको सीबीआई जांच हो, जो अपराधी चार पकड़े गए हैं उनका नार्को टेस्ट हो और साथ ही जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनको जो है जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा दी जाएगी और इन्हीं मांगों को लेकर आज देखिए कि दिल्ली के ये सड़कों पर जो भीम आर्मी के समर्थक हैं लगातार मार्च करने का काम कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली क्यों जा रहा है? चंद्रशेखर भाई पे जो हमला हुआ उसके चक्कर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम जंतर मंतर जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है जाने का? हमारा उद्देश्य है कि जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भीम आर्मी के चीफ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं उन पर कुंठित विचारधारा के लोगों ने पीछे से वार किया है, क्योंकि इनका इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा बहुजन नायकों पे पीछे से वार करने का काम किया है और अब ये इन्होंने जो पीछे से वार किया है अब हम चाहते हैं कि जो वार किया गया है उस वार के पीछे मैन षड्यंत्रकारी कौन है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक वो षड्यंत्रकारियों का पता नहीं लगेगा और हम चाहते हैं कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए, जब तक जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तब तक इसी तरीके से कुंठित विचारधारा के लोग, मनवादी लोग बहुजन नायकों पर ऐसे ही हमला कराते रहेंगे। ये कोई पहला और आखिरी हमला नहीं है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां पूरी ताकत के साथ, पूरे संघर्ष के साथ अपने आने वाली नस्लों के लिए संघर्ष कर पाएं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश अली अंसारी है और मैं आजाद समाज पार्टी का बरेली से जिला अध्यक्ष हूँ। चलिए, ये बरेली के जिला अध्यक्ष हैं और देखिए कि जितने सारे जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं लगातार जो है दिल्ली के सड़कों पर मार्च कर रहे हैं और ये मार्च करते हुए इनका यह मार्च जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जाएगा और वहीं से जो है जो चंद्रशेखर जी हैं इनका संबोधन होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से बीते दिनों जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमले हुए थे उसको लेकर पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी का माहौल है। लगातार जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं वो लगातार जो चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर मांगे कर रहे हैं और देखने वाली बात यह है कि क्या इनके मानों उठाने के बाद जो है सरकार इनकी मांगती है। फिलहाल यह वीडियो आप जनतंत्र खबर के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।